सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्पेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार से फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा समर सीजन आता है हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने या 5 महीने तक रहता है, आप लोगों को पता ही है। और हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वो लगभग 2.5 या 3 महीने तक पड़ती है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, जो सैटर्न ग्रह है यानी कि शनि ग्रह जो है, वो उस पर जो समर का सीजन है वो सबसे ज्यादा लंबा रहता है, और वो है 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल तक वहां पर समर सीजन रहता है। और उसके बाद और सीजन चेंज होते हैं, और ये होता है उसकी रेवोल्यूशन और उसकी रोटेशन के कारण, जिससे कि दिन रात और सीजन चेंज होते हैं। और दोस्तों, वैसे आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि जो भी हमें कहीं पर आना जाना होता है या फिर व्हीकल्स चलते हैं उनके लिए सड़कें या फिर आप कह लीजिए कि बड़े लेवल पर हाईवेज बने होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि स्पेस में भी एक हाईवे बनाया गया है जिसके थ्रू स्पेसक्राफ्ट जाते हैं। जी हाँ, उसे कहते हैं स्पेस हाईवे, या फिर उसे कह दीजिए इंटरप्लेनेटरी सुपर हाईवे। और दोस्तों, इस हाईवे से जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं उनको भेजा जाता है, क्योंकि ये जो हाईवे है वो लीस्ट रेजिस्टेंस यानी कि सबसे कम जो है रोक ठोक होती है इस रास्ते में। और स्पेसक्राफ्ट जो है यानी कि जो भी सैटेलाइट्स या भेजी जाती है अंतरिक्ष में, वो इस हाईवे के थ्रू जा सके। मतलब है ना कितनी अमेजिंग बात। दोस्तों, हमारा जो चांद है वो पहले से छोटा होता जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पर लाखों सालों की बात करेंगे तो जो वो चांद है वो छोटा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि वो हमारी धरती से दूर जा रहा है। और जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है यानी कि हमारी पड़ोसी जो गैलेक्सी है, सबसे पास में हमारे जो गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे के अलावा एंड्रोमेडा, वो धीरे धीरे हमारे पास आ रही है। तो क्या हुआ कि कुछ लाखों सालों बाद जो वो मून है वो हमारी धरती से काफी दूर हो जाएगा और बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा एक तारे की तरह, और हमें आसमान में एक बड़ी सारी गैलेक्सी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देगी जो कि होगी एंड्रोमेडा। और कुछ बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी की टक्कर भी होगी, जिसे कि देखने के लिए हम शायद होंगे नहीं, और शायद हमारी धरती भी तब तक मिट चुकी होगी। दोस्तों, वैसे तो आप लोग ये जानते हैं कि जो जुपिटर है यानी कि जो शुक्र ग्रह है, वो अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह है यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर उसको हम कंपेयर करेंगे अपनी धरती से, तो एक जुपिटर में टोटल 1000 धरती समा सकती है, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा है जुपिटर हमसे। वैसे तो दोस्तों, आप लोग ये जानते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं यानी कि जो ग्रह होते हैं, उनका एक अपना ऑर्बिट होता है और वो किसी भी तारे के या स्टार के आर पार जो है चक्कर लगाते हैं। लेकिन स्पेस में कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें कि रॉक प्लैनेट्स कहा जाता है, और ये प्लैनेट बिल्कुल फ्री में स्पेस में कहीं भी किधर भी किसी भी रास्ते से घूमते हैं। मतलब ना तो इनका कोई सोलर सिस्टम होता है और ना ही इनका कोई ऑर्बिट होता है, ये कहीं पर भी जा सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं।